हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ये जो हमारा बीकॉम सेमेस्टर वन है, उसमें अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी की बात करूं, तो उसमें सिर्फ एक वन लास्ट चैप्टर जो बाकी रह रहा है वो है लिक्विडेटर्स अकाउंट। अब लिक्विडेशन क्या है तो वो मुझे आपको समझाना है। ये चैप्टर हमारा लास्ट कॉर्पोरेट में बाकी रह रहा है। गुडविल, शेयर, बैंक अकाउंट के अलावा लिक्विडेटर चैप्टर आपका है। और ये लिक्विडेशन यानी कंपनी का यहाँ पर लिक्विडेशन होगा, विसर्जन जिसको हम बोलते हैं, कंपनी बंद हो जाना और उसके अकाउंट हम बंद कर रहे हैं तो उसको लिक्विडेशन अकाउंट बोलते हैं। तो उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आज हम पहले थोड़ा सा पीपीटी में देखेंगे, फिर उस चैप्टर में जो हमें काम करना है वो चीज़ आज हम छोटे छोटे सम्स में देखेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी लास्ट टॉपिक लिक्विडेटर अकाउंट। चलिए, ये जो हमारा लिक्विडेटर अकाउंट है यानी यहाँ पे कंपनी जब बंद होगी तो हमें एक पर्सन को हायर करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर, उसका मीनिंग देखेंगे। तो जो ये लिक्विडेटर होता है, कंपनी बंद होने के टाइम पे कंपनी के जो जो इनकम है और जो जो पेमेंट है वो सारा अकाउंट्स वो हैंडल कर रहा है। यानी कि आगे आपने कहीं ना कहीं ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म का लिक्विडेशन, पार्टनरशिप फॉर्म का क्लोज होना वो देखा होगा पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में, राइट? FIBCOM में आप ये चीज़ पढ़ चुके हो, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में जब पार्टनरशिप फॉर्म बंद होता है तो वहाँ पे पेमेंट होता है इंस्टॉलमेंट में, राइट? तो वो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब हम बात करेंगे जब कंपनी बंद होती है तो कंपनी का लिक्विडेशन अकाउंट बनता है और एक लिक्विडेटर हायर करता है हम, और वो भी हम सीख रहे हैं। उसमें दो तरह के लिक्विडेशन होता है। उसमें हम सीख रहे हैं वॉलेंटरीली लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी वॉलेंटरीली खुद बंद हो रही है तो उसके रीजंस क्या क्या होंगे वो भी समझेंगे, पर हमें यहाँ पे वॉलेंटरीली लिक्विडेशंस पढ़ना है। चलिए तो सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है लिक्विडेटर, उसका मीनिंग देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेटर? ये जो पर्सन है उसका मीनिंग क्या होता है? अगर मीनिंग समझ लिया तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मीनिंग पे ध्यान देंगे हम। द पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर अ प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इज नोन एज एन लिक्विडेटर एंड द पेमेंट गिवन फॉर दैट प्रोसेस टू द लिक्विडेटर इज नोन एज लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। देखो, जो पर्सन हम अपॉइंट करते हैं फॉर अ प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन की पूरी प्रोसेस के लिए जिस पर्सन को हम हायर करते हैं उसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं। हाँ, आपकी कंपनी में कोई एक पर्सन आएगा जो एक्सपीरियंस बंदा है, वो आपके लिए लिक्विडेशन का अकाउंट लिखेगा, जब कंपनी बंद हो रही है तो कैसे पेमेंट करना है सब कुछ वो हैंडल करेगा, पूरी प्रोसेस। तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? लिक्विडेटर। और उसको जो हम पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो ये बंदा कौन है जो आपकी लिक्विडेशन, कंपनी बंद करोगे उस वक्त सारा अकाउंट्स ये बंदा हैंडल करेगा। चलिए एक और चीज़ उसमें देख लेते हैं। द मोड ऑफ विडिंग अप, यानी कि कंपनी बंद कर रहे हो तो उसके दो टाइप्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है कंपलसरी विडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। भाई, ट्रिब्यूनल एक तरह का पंच होता है। अगर कंपनी ने कोई ऐसा काम किया है तो कंपलसरी ट्रिब्यूनल के द्वारा वो कंपनी बंद हो जाएगी, तो वो एक लिक्विडेशन का टाइप हो सकता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा टाइप हमारे सिलेबस में है, दैट इज वॉलेंटरीली लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बाय द मेंबर्स और क्रेडिटर्स। देखो, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो लोग खुद लिक्विडेशन कर दे। तो ये दूसरा जो टाइप है वो हमारे सिलेबस में है। चलिए अब हम नज़र डाल लेते हैं कि लिक्विडेशन अगर हो रहा है तो उसके पीछे के रीजंस क्या है। व्हाट वाज द रीजंस फॉर वॉलेंटरी लिक्विडेशन? कौन कौन सा रीज़न हो सकता है? तो पहला रीज़न, ड्यू टू इनसफिशिएंट कैपिटल। कंपनी के पास पैसे ही ना बचे हो अब लोगों को देने के लिए, तो इनसफिशिएंट फंड हो, कैपिटल कम हो तो लिक्विडेशन हो सकता है। सेकंड, व्हेन द फिक्स पीरियड ऑफ द बिजनेस एंड आर्टिकल्स एक्सपायर्ड। देखो, कंपनी ने जब आर्टिकल इशू किया होगा, जब लोगों को बोला होगा कि हमारी कंपनी के शेयर परचेस करो, उनका फिक्स बिजनेस का पीरियड होगा कि हम 10 साल बिजनेस करेंगे, भाई 8 साल बिजनेस करेंगे, टाइम पीरियड खत्म, बिजनेस भी खत्म, तो वो रीज़न एक हो सकता है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर रीजन क्या हो सकता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी इज फुलफिल्ड। जब कंपनी का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो कि भाई वो कोई काम के लिए मार्केट में इशू हुए थे और वो काम ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है, तो वो कंपनी भी बंद कर देंगे। नेक्स्ट रीजन और क्या हो सकता है?
when due to insufficient management or the some other reasons. देखो इन efficient अगर management हो रहा हो, management ठीक से ना हो रहा हो, management में बहुत सारे झगड़े हो रहे हो, दो partner हो वो बार नहीं जो board of directors होते हैं उनके बीच में बार बार management को लेकर कोई झगड़े हो रहे हैं तो company बंद हो रही है, तो ये सारी सिचुएशंस हो सकती है। एक और चीज़, जब ऐसे वॉलेंटरीली आप लिक्विडेशन करते हो तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है जो पैराग्राफ में दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है, इन द वॉलेंटरीली लिक्विडेशंस अबाउट द कंडीशन ऑफ कंपनी डायरेक्टर हैव टू मेक अ डिसीजन दैट कंपनी पे ऑल डेब्ट इन फुल मैक्सिमम 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशंस, इट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब कंपनी बंद कर रहे हो तो डायरेक्टर को एक डिसीजन डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि वो जो भी अपना हिसाब किताब है, जो भी पेमेंट है, मैक्सिमम 3 साल के अंदर वो लोग भरपाई कर देंगे, जिन जिन को पेमेंट करना है 3 साल के अंदर वो लोग कर देंगे। तो जॉब डेट का डिसाइड किया लिक्विडेशन का, उसके 3 साल के अंदर वो लोग पेमेंट कर देंगे। चलो हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट ऑफ व्यू, लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ये जो लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी एक तरह का अकाउंट बोल सकते हो जिसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है, स्टेटमेंट इसीलिए कहा जाता है, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड आएगी। तो ये 14 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है। तो उसमें दो साइड नहीं पर उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट ऐसा होगा, तो फर्स्ट रिसिप्ट एंड रुपीज एंड देन द पेमेंट एंड रुपीज। तो ये जो लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक बाजू रिसिप्ट साइड एंड दूसरी बाजू पेमेंट। अब कंपनी की पहले हम रिसिप्ट समझ लेते हैं, कौन कौन सी रिसिप्ट हो सकती है। तो सबसे पहला रिसिप्ट होगा कैश एंड बैंक, कंपनी के पास कुछ पैसे बैंक बैलेंस पड़ा होगा ना, तो सबसे पहले हमें कोई भी सम अगर 14 मार्क्स पर स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले कैश एंड बैंक लिख देना है। सेकंड हमें क्या लिखना है रिसिप्ट में, और क्या रिसिप्ट हो सकती है, तो मेन रिसिप्ट असेट रियलाइज, भाई कंपनी के पास बिल्डिंग वगैरह बहुत सारी मिलकतें होगी जो वो लोग असेट बेचेंगे उससे पैसे मिलेंगे। क्या क्या हो सकती है, तो उसमें हो सकता है डेटर हो सकता है, उसमें बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी असेट हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, डेटर हो सकता है। तो ये सारी असेट रियलाइज, रियलाइज का मतलब बेचा और आपको पैसे मिले, तो असेट बेचोगे पैसे मिलेंगे, तो रिसिप्ट में दूसरा क्या आता है असेट रियलाइज। तीसरी एक और चीज पॉसिबल हो सकती है जो कि है सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। अब ये सिक्योर क्रेडिटर क्या है वो मुझे आपको अभी पेमेंट में समझाना है। तो सिक्योर क्रेडिटर के पास जो हमारी सिक्योरिटी होती है वो अगर उसको बेचे और ज़्यादा पैसे उसको मिले हो तो वो हमें पैसे लौटाए तो हमारे पास एक रिसिप्ट आएगी, मतलब वो सिक्योरिटी बेच के जो ऊपर के पैसे सरप्लस है वो हमें लौटाएगा, व्हेन द क्रेडिटर सोल्ड सिक्योरिटी एक्सेट्रा। देखो तो ये तीसरा है सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर। पॉइंट नंबर 4, दैट इज कॉल ऑन द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स। अगर आपके पास 10 रुपये का शेयर था जिसके ऊपर आपने 5 रुपये मंगाए, बाकी के 5 रुपये मंगवाना बाकी था, तो एज अ कंपनी आप वो 5 रुपये पहले मंगवाओगे कि हमारे भाई 5 रुपये पेड अप था, 5 रुपये अनपेड है, तो अनपेड कॉल आप मंगवा लोगे, ठीक है। तो जो पेमेंट बाकी है वो आप पहले कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। पूरे 10 रुपये का शेयर में से 8 रुपये अगर मंगवाए, 2 रुपये बाकी हो तो 2 रुपये फिर कलेक्ट करोगे। तो ये हमारी रिसिप्ट साइड हुई। दूसरा, अब आपको ध्यान से देखना है पेमेंट का क्रम। पेमेंट में लिक्विडेशन में फिक्स है, जैसे पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में भी फिक्स था ना, वैसे लिक्विडेशन में 7 पेमेंट होता है जिसमें से पहला पेमेंट सिक्योर क्रेडिटर। अब ये सिक्योर क्रेडिटर क्या है, जिसके पास हमारी सिक्योरिटी रहती है, यानी कि आपने अगर किसी घर लिया हो तो आपको ऐसा पता होगा कि अगर वो घर लोन पे लिया है तो लोन के दस्तावेज बैंक के पास रहते हैं जिसके पास से आपने लोन लिया है। वैसे ही सिक्योर क्रेडिटर है कि आपको पैसे उन्होंने प्रोवाइड किए पर सामने सिक्योरिटी लिया है उन्होंने, तो वो सिक्योरिटी वो खुद भी बेच सकता है और हमें पैसे लौटा सकते हैं, या फिर हमें उनको सबसे पहले पेमेंट करना होगा क्योंकि उसका नाम है सिक्योर क्रेडिटर, मतलब जो कभी उनको पेमेंट सबसे पहले होता है। चलिए सिक्योर क्रेडिटर के बाद सेकंड पॉइंट आता है जो मेन इंपॉर्टेंट है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेशन यानी कि विसर्जन खर्च जिसको बोला जाता है, कंपनी को कुछ लीगल पेमेंट करना होता है, दस्तावेज वगैरह जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होता है, तो वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के तौर पे उनको जब कंपनी बंद कर रहे हो तो वो पेमेंट तो सबसे पहले करना होता है, गवर्नमेंट को वो पेमेंट करना होता है। फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, ये जो बंदा है लिक्विडेटर उसको हमने हायर किया है तो उसको भी तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसका रेम्यूनरेशन दूसरे क्रम में आता है।
सिचुएशन नंबर थ्री, तीसरा पेमेंट किसको करोगे, तो वो आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यानी नाम में है कि उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देना होता है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट के म्यूनसिपल टैक्सेस है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वगैरह, जो हम आगे अलग स्लाइड में सीखने वाला है। सो तीसरा सिचुएशन हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना है। फोर्थ, डिबेंचर होल्डर्स, तो जो डिबेंचर होल्डर हो उनको पेमेंट करना है। अगर उसमें कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बैलेंस शीट में तो वो भी ले लेना है। कोई एडिशनल इंटरेस्ट है जो बैलेंस शीट के बाद वाले भी टाइम पीरियड का लेना है तो वो भी पेमेंट करना है, क्योंकि डिबेंचर होल्डरों को तो इंटरेस्ट पेमेंट करना ही होता है। तो फोर्थ सिचुएशन, डिबेंचर को पेमेंट। फिफ्थ, किसको हम पेमेंट करेंगे, तो अनसिक्योर क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर तो कितने आ रहे हैं, पहला आया सिक्योर, दूसरा आया प्रेफरेंशियल, एंड अब देखो तीसरा नाम आ रहा है अनसिक्योर क्रेडिटर। अगर कोई और भी पेमेंट बाकी है तो सैलरी वगैरह कुछ भी है और तो वो वहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर में ले लेना है, ठीक है। तो अनसिक्योर क्रेडिटर फिफ्थ क्रम। फिफ्थ के बाद अगर पैसे बच रहे हैं, तो सिक्स क्रम आएगा प्रेफरेंशियल होल्डरों को, उसमें अनपेड डिविडेंड हो तो वो भी प्लस कर देना है। तो प्रेफरेंशियल होल्डरों को फिर छठे नंबर पे पेमेंट होता है। अगर लास्ट अगर कोई पैसे बचे तो फिर बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर की, और उसके ब्रैकेट में देखो लिखा ही हुआ है कि रिमेनिंग अमाउंट, यानी अगर पैसे बचे तो ही पेमेंट करना है। तो ये हमारा सात क्रम में हमें पेमेंट करना है, ये फिक्स रखना है बच्चों। ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है, मेमोराइज कर लेना है, फिर वो सब में हम कैसे उसको काउंट करेंगे, कौन सी चीज़ कौन से हेडिंग में आएगी, वो सब कुछ हम सब में देखेंगे, पर ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। लास्ट में दोनों साइड का टोटल तो इक्वली होगा, जो हमारी रिसिप्ट होगी उतना पेमेंट हम कर देंगे, जितना बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डरों को रिमेनिंग अमाउंट पेड हो जाएगा, अगर नहीं बचता तो इक्विटी शेयर होल्डरों को कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है उसमें कौन कौन आता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पूरा लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें जो जो चीज़ें आती है। फर्स्ट आएगा उसमें ऑल टैक्सेस पेएबल टू द गवर्नमेंट एंड पेएबल विद इन 12 मंथ्स, जो भी गवर्नमेंट को टैक्स पेड करे हम पिछले 12 महीने के, विद इन 12 मंथ्स के, वो कंसिडर करना है। तो ये आप याद रखोगे क्योंकि आज के समय में भी ये चीज़ कंसिडर होगी। नंबर टू, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय जो है उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में डालना है, उनकी सैलरी, उसमें रूल है 4 मंथ का और एक्चुअल और 20,000 विच एवर इज लेस, मतलब तीन की कंपैरिजन करना है, उसमें से जो कम हो वो कंसिडर करना है, सब में देखेंगे। तो नंबर थ्री वो आएगा कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड, एम्प्लॉय का जो स्टेट इंश्योरेंस फंड होता है पिछले 12 महीने का, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है। नंबर फोर उसमें हम लेंगे कंपेंसेशंस अंडर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, तो वो जो वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में जो उनको पैसे प्रोवाइड करे वो भी कंसिडर करना है। नंबर फाइव उसमें नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड ग्रेजुएटी ऑफ ग्रेजुएटी फंड एंड अक्रूड हॉलीडेज रेम्यूनरेशन एंड द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुएटी, उनका सैलरी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंश्योरेंस फंड, ऐसा कुछ भी एम्प्लॉयज के रिलेटेड आए तो वो हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में डालना है, ठीक है। तो उसके बाद नंबर सिक्स उसमें क्या आएगा, तो एक्सपेंसेस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशंस अंडर द सेक्शन 235 एंड 237, ये एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर आपने करवाया हो, कुछ गलत चीज़ें हुई है, इन्वेस्टिगेशन करवाया तो उसका भी यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाएगा। नंबर सेवन एडवांस गिवन बाय द डायरेक्टर्स फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द वर्कर एंड एम्प्लॉयज, देखो अगर एडवांस कोई डायरेक्टर को पेमेंट किया है उसके एम्प्लॉयज के सैलरी वगैरह तो वो भी यहाँ पर कंसिडर कर देना है। चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट है उसको भी हमें ध्यान में रखना है, तो IMP नोट, वर्कर सैलरी एंड एनी ड्यू टू द वर्कर्स इज इंक्लूडेड इन द सिक्योर क्रेडिटर। देखो वर्कर वर्ड का अगर सब में यूज करें, वर्कर मतलब झाड़ू पोता वाला, जो अगर कंपनी बंद हो रही है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा, तो वर्कर की जो सैलरी है ना उनका कोई ड्यू पेमेंट तो वो हम कौन से में लेंगे, सिक्योर क्रेडिटर। याद आ रहा है सिक्योर क्रेडिटर अभी था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ये सात चीज़ें, अगर वर्कर की सैलरी है तो वो लेंगे हम सिक्योर क्रेडिटर में। चलिए आगे हमने एक चीज़ समझाई थी जो उसका जिक्र अब हम थोड़ा और डीप में जाएंगे। जैसे कि हमने पेमेंट किया था तो उसमें एक चीज़ आई थी जिसका हेडिंग आप अभी देख सकते हो, व्हेन इन सम कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑन द अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर देन कैलकुलेशन इज एज अंडर।
जब आपको लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पेड करना हो, इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट किया उसके परसेंटेज में, हमें ये सब में काम आएगा। अभी के लिए सिर्फ देखने के लिए आप पीपीटी स्लाइड में उसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देखो। उसमें दो कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर, देन रुपीज। अगर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पेड करना है तो सबसे पहले वहाँ पे लेना होगा हमें इनकम बिफोर कॉल इन एरियर्स इन इक्विटी शेयर। इनकम लेनी नहीं है, बिफोर इक्विटी शेयर पेमेंट को होल्डर का पेमेंट के पहले की इनकम, तो जितनी इनकम होगी वहाँ पे लिख देना है। फिर उसमें से लेस करना है पेमेंट ऑफ पर्टिकुलर 1 to 6। अभी जो 7 क्रम हमने देखे थे ना, उसमें से 1 से 6 के पेमेंट सारे यहाँ से माइनस करना है। तो आपके पास एक आएगा बैलेंस अमाउंट, और जैसे बैलेंस अमाउंट आ गया उसमें से आप लेस करोगे रेम्यूनरेशन एज्यूम 2% ऑन इक्विटी शेयर अमाउंट। अगर रेम्यूनरेशन आपको जो लिक्विडेटर है उसको 2% देना है तो कैसे काउंट करोगे? टोटल बैलेंस आपके पास 102 है, उस पर रेम्यूनरेशन 2 तो अमाउंट पे हाउ मच, 102 पे 2 तो अमाउंट पे हाउ मच, ये ऐसा करोगे ना तो आपको रेम्यूनरेशन के अमाउंट मिल जाएंगे। और जो बाकी का पेमेंट है अमाउंट पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, और बाकी का पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डरों को पेड होगा। ये हम आज के ही सम में सीखने वाले हैं, सो डोंट वरी। चलिए, जब पेमेंट एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डरों को करना होता है, जैसे कंपनी में ए बी सी 3-4 टाइप के या 2-3 प्रकार के इक्विटी शेयर है, तब उसमें एक अलग पॉइंट आता है। हेडिंग आप देख सकते हो, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गिवन इन सम द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी इज क्रिएटेड। अगर एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर है तो कैपिटल डेफिशिएंसी का पॉइंट अराइज होगा, और ऐसे सिचुएशन में कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग कॉल, बाकी के कॉल आप पे कैसे मंगवाओगे कॉल इन एरियर्स, उसका कैलकुलेशन आपको एक फिर से एक टेबल दिखने को मिलेगा। उसमें दो कॉलम पर्टिकुलर एंड रुपीस, जैसा हमने आगे काम किया था सेम काम, इनकम बिफोर कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स यानी कॉल मंगवाने से पहले इक्विटी इनकम कितनी है वो हमें ध्यान में लेनी है। फिर उसमें से लेस करना है पेमेंट ऑफ पर्टिकुलर 1 to 6, 1 से 6 का पेमेंट हमें वहाँ से माइनस करना है, तो फिर से हमारे पास आएगा बैलेंस अमाउंट। फिर हमें कॉल जो मंगवाना है वो क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कॉल इन एरियर्स। अगर आप ए टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर के पास से पेमेंट मंगवा रहे हो, कैसे पेमेंट करोगे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ रिमेनिंग कॉल। बी में भी सेम करना है, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ रिमेनिंग कॉल, मतलब आपने 10 रुपये में से 8 रुपये पहले मंगवाए हो तो अब 2 रुपये मंगवाओगे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय जितना अमाउंट बाकी है वो, अगर 2 रुपये बाकी है तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये। तो कॉल इन एरियर्स यानी कि आप बाकी के पैसे जो पहले नहीं मंगवाए थे अब मंगवा रहे हो तो उसमें प्लस कर देंगे। ऐसे इस तरीके से ए और बी का दोनों का काम हमें करना है। तो हमारे पास लास्ट में क्या आंसर आएगा, कैश बैलेंस। हमारे पास अभी कितना कैश पेमेंट पड़ा है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए, कैपिटल डेफिशिएंसी जो पूरा वर्ड है अभी सिर्फ पावर पॉइंट में देखने के लिए आप देख लोगे, फिर उसके बाद हम उसको सम में कंसिडर करेंगे। टेबल शोइंग अलोकेशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी, मतलब आपके पास पैसे कम है, अब पैसे कम है तो पेमेंट कैसे करोगे वो हमें ये टेबल शो करेगा, पेमेंट का सिचुएशन। तो ये टेबल हमारे लिए मोस्ट आईएमपी होगा 14 मार्क्स के सम के लिए। अभी उसको थोड़ा समझ लो, कैपिटल डेफिशिएंसी यानी कम पैसे है, तो सबसे पहला कॉलम हम टाइप ऑफ शेयर का बनाएंगे, दूसरा कॉलम उसमें बनाएंगे शेयर कैपिटल का, यानी जो जो हमारे पास जितने तरह के शेयर कैपिटल है वो लेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी, फिर उसके बाद हमारे पास एक बैलेंस आएगा, और बैलेंस में से दो काम और करना है, इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स वो वहाँ से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा पेबल एंड रिसीव्ड अमाउंट, यानी कि कितना आप पेड कर सकते हो या कितना अमाउंट रिसीव होगा हर टाइप के शेयर के पास होल्डर के पास से, वो हमें आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले उसमें ए तरह के शेयर है तो ये सारी चीज़ें ए तरह के शेयर आएगी, फिर सेम बी अगर टाइप का शेयर है तो उसमें ये सेम चीज़ें आएगी, तो वो हम सब में देखने वाले हैं। ए और बी यानी कि दो या उससे ज़्यादा तरह के शेयर हो तब ये प्रॉब्लम अराइज होता है, अगर एक ही तरह का शेयर इक्विटी शेयर होल्डर है तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। चलिए, फिर उसके बाद हम उसका टोटल करेंगे, टोटल शेयर कैपिटल, जिसमें सारी कॉलम में हमारे पास एक टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगर कैश बैलेंस पड़ा है, जो आगे हमने टेबल में देखा था, कैश बैलेंस जितना भी पड़ा है उसमें से माइनस करो, तो जो पेमेंट हम नहीं कर सकते उसी को बोला जाता है भाई कैपिटल डेफिशिएंसी। तो ये जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैपिटल डेफिशिएंसी एक्चुअली क्या है। तो हमें जितना पेमेंट करना है उसमें से हमारे पास कैश बैलेंस है वो माइनस करो तो कैपिटल डेफिशिएंसी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वो पैराग्राफ में हम एक और चीज़ वहाँ पे मेंशन कर रहा है, कैपिटल डेफिशिएंसी इज
डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी कि आपके कैपिटल यानी ए और बी का जो रेशियो होगा उस सिचुएशन में हम कैपिटल डेफिशिएंसी, जो पेमेंट हम नहीं कर सकते वो उस रेशियो में बांटेंगे। चलिए तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको जो समझाया मैंने, लिक्विडेटर का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया, टेबल समझाया, नेक्स्ट हम सम में उसको प्रैक्टिकली ले लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट हम सम का सफर स्टार्ट करें, आपने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो भी समझाया वो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलिए तो बच्चों अब लिक्विडेशन अकाउंट का मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाने जा रहा हूँ। लास्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा कि लिक्विडेशन अकाउंट जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंट में, लिक्विडेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब हमें कंपनी बंद करनी हो। वॉलेंटरीली अगर कंपनी ऐसा सोच रही है कि अब कंपनी आगे नहीं बढ़ानी है, अब वो बिजनेस या कंपनी को बंद कर देना चाहता है, यानी कि लिक्विड सिचुएशन पे कंपनी आ चुकी है, ऐसे टाइम पे कंपनी लिक्विडेटर को हायर करती है जो ये सारा हिसाब किताब कंपनी का संभालता है। भाई कंपनी बंद हो जाएगी तो कंपनी की जो जो रिसिप्ट है, कंपनी को जिन जिन लोगों को पेमेंट करना है, वो सारा हिसाब किताब एक व्यक्ति देखता है जिसको हम लिक्विडेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लिक्विडेटर। और वो मुफ्त में काम नहीं करेगा, वो बंदे को हम हायर करेंगे लिक्विडेटर को, उसको बकायदा हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे। तो वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि कंपनी कैसे बंद होती है, जैसे आपने पार्टनरशिप फॉर्म का आगे डिसोल्यूशन देखा था, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, पार्टनरशिप बंद हो जाए तो कैसे उसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है। लिक्विडेशन ये कंपनी का है, और वो भी ध्यान रखना वॉलेंटरीली लिक्विडेशन है, यानी कंपनी खुद से बंद हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में 7 लोगों को पेमेंट की बात आती है, जिसमें सिक्योर क्रेडिटर, क्रम आपको याद रहना चाहिए, सिक्योर क्रेडिटर, फिर उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर उसके बाद डिबेंचर, फिर उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर, एंड देन प्रेफरेंशियल होल्डर, डिबेंचर होल्डर, अगर पैसे बचते हैं तो। तो जो बड़ा सम आपको करना है जिसमें एक लिक्विडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना है, यानी कि लिक्विडेटर जो फाइनेंशियल एक स्टेटमेंट बनाता है जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उसमें जो 3-4 ऐसे क्रेडिटर बढ़ा रहे थे, सिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर, उसका कैलकुलेशन बड़े सम में जाने से पहले हमें छोटू छोटू सम में देखना होगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे सम्स की, तो उसमें से मैं आपको पहला सम सिखाने जा रहा हूँ जिसमें हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर की बात आएगी। एग्जाम्पल नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में बेसिक सम नंबर 1 है, जिसका पेज नंबर लाल कैलकुलेशन 382 पे आपको पहुंच जा रहा है। साथ में अगर आपको देख रहा हूं तो इलस्ट्रेशन 2 रेफरेंस के लिए आप प्रिफर कर सकते हो। चलिए पेज नंबर 382 निकालो, एग्जांपल नंबर 1 प्रैक्टिकल सम शुरुआत करें, एकदम छोटे छोटे सम्स, और ये सम भी 7 मार्क्स में आपको पूछ सकता है, पूरा स्टेटमेंट ना पूछे पर आपको ऐसी कैलकुलेशन 7 मार्क्स में 100% आ सकती है। चलिए एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 382 निकालो, टेक्स्ट बुक, कैलकुलेटर एंड नोटबुक होना चाहिए, सब में ज्वाइंट हो जाओ। पेज नंबर 382 रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूं, लास्ट चैप्टर। चलिए वहां पर सम नंबर में लिखा हुआ है, ए कंपनी लिमिटेड हैज रिजॉल्व टू वाइंड अप द वॉलंटरीली ऑन 31/12/2019 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कौन सी दो चीजें फाइंड आउट करनी है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर। चलिए तो उसकी शुरुआत करें, सबसे पहली चीज उन्होंने जो मांगी है आंसर नंबर 1, क्या मांगा है उन्होंने? उन्होंने मांगा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो ये मैंने कैलकुलेशन के लिए लिखा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। फिर उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने क्या मांगी है? सेकंड उन्होंने मांगा है अनसिक्योर क्रेडिटर, यस अनसिक्योर क्रेडिटर। चलिए तो इन दोनों का काम हम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ कॉलम्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर वर्क आपका जाना चाहिए। ये लिखा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और उसमें ऐसे मैंने कॉलम प्रिपेयर किया, और फिर उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर, ये उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 2 कॉलम प्रिपेयर कर रहा हूँ जिससे प्रॉपर वर्क हो सके, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे, इसको पर्टिकुलर अमाउंट बोल सकते हो आप, पर्टिकुलर अमाउंट, बॉडी टोटली फिक्स होना चाहिए। अभी मैं आपको 2 कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ,
जो बड़े हम सब में हमें हेल्पफुल रहेगी। एक है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड दूसरा है अनसिक्योर क्रेडिटर। चलिए बारी बारी उन्होंने जो 5 पॉइंट दिए उसमें से हमें अपने आप पता करना है कौन सा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का सीक्वेंस है पेमेंट का और कौन सा अनसिक्योर क्रेडिटर में जाएगा। चलो पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखना, म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू टू द पेएबल 2019 का है 700, 2018 का है 3500। अब म्युनिसिपल टैक्स अगर पिछले 12 महीने को यानी कि करंट ईयर का हो तो उसको प्रेफरेंशियल में ले जाना है, उसके आगे वाले कोई साल का हो तो वो ले जाना है अनसिक्योर में। तो सेम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दोनों में आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखूं म्युनिसिपल टैक्स, चलो म्युनिसिपल टैक्स कौन से ईयर का मैं लिखूंगा 2019, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है 1920, कितना है प्रीवियस ईयर का 700। और अनसिक्योर की अगर मैं बात करूं तो उसमें फर्स्ट नंबर का म्युनिसिपल टैक्स और वो कौन से ईयर का 2018 का यानी प्रीवियस ईयर के पहले का, कितना है 3500। ये देखो पिछले 12 महीने का यहाँ पे, उसके आगे वाला अनसिक्योर में। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखना, अनपेड सैलरी ऑफ टू क्लर्क फॉर 1/1/2019 टू 31/12/2019 एट 1400 पर मंथ। वहां पे एक वर्ड और होना चाहिए, पर मंथ पर क्लर्क। देखो यहाँ पे दो क्लर्क की अनपेड सैलरी है और एम्प्लॉइज का ऐसा कोई भी पिछले साल का हमारे प्रीवियस ईयर का यानी कि 1920 का अनपेड सैलरी हो तो उसको हम लेंगे ऑलवेज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। अनपेड सैलरी टू क्लर्क ऐसे कुछ भी लिखा हो जिसे कर्मचारी एम्प्लॉय हो उसके कोई सैलरी ना दिया हो तो वो कहाँ जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। तो ये देखो पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में अनपेड सैलरी किसकी ऑफ वर्कर क्लर्क, क्लर्क लिखा गया है, चलिए क्लर्क की सैलरी है तो ये लिखा मैंने क्लर्क। अब इसमें आपको याद हो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसमें कुछ रूल था, करेक्टली सैलरी कैसे आप कंसिडर करोगे, जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है उसकी सैलरी ऐसे काउंट की जाएगी, सबसे पहले एक्चुअल उसको कंपेयर करो 4 मंथ के साथ, ये रूल है, 4 महीने के साथ कंपेयर करो, उसको कंपेयर करो 20,000 पर पर्सन, ठीक है ऐसे हमें काम करना है। तो सबसे पहले एक्चुअल, एक्चुअल के लिए अंदर ध्यान दो, उन्होंने कहा है 1/1/19 से 31/12/2019 पर मंथ है 1400। अच्छा पर मंथ उन्होंने 1400 बोला है तो हमें 12 करना पड़ेगा इनटू, पर अटको पर क्लर्क पीछे लिखना उन्होंने रह गया है, ये क्लर्क कितने हैं चेक कर लो, 2 क्लर्क है बच्चों, तो वहां पे ना पर मंथ और साथ में पर क्लर्क होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ 1400 मल्टीप्लाई बाय 2 क्लर्क मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, इस तरीके से हमारा फर्स्ट आंसर आएगा। 1400 दिया हुआ है, 2 क्लर्क है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया और 12 मंथ, ये काम हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33,600। ध्यान से अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी 4 महीने के हिसाब से जाना है, ये रूल है। अब 4 मंथ के हिसाब से कैसे जाओगे, 1 मंथ का 1400 है, क्लर्क है 2 और कितने महीने का करना है हमें 4 महीने का, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है ये आंसर कितना आएगा, तो ये आंसर आएगा 11,200। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, 220,000 पर पर्सन, अब पर पर्सन बोला हो तो यहाँ पे क्लर्क कितने हैं, 2 क्लर्क है तो मुझे 2 क्लर्क से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी यहाँ पे आंसर कितना आएगा 40,000। अब चेक करो तो एक्चुअल 4 मंथ 20,000 के हिसाब से व्हिच एवर इज लेस, कौन सा आंसर लेना है, व्हिच एवर इज लेस, लेस कौन सा है भाई 11,200, तो ये लिखा है 11,200 बाहर, ठीक है समझ में आया। और एक चीज करनी है हमें, अनपेड सैलरी में आपने 4 महीने का व्हिच एवर इज लेस प्रेफरेंशियल में लिया ना, पर एक्चुअल में उसको कितना पेमेंट करना है 33,600 पेमेंट करना है। तो अब हमने यहाँ पे व्हिच एवर इज लेस के हिसाब से प्रेफरेंस में लिया है तो बाकी का जाएगा अनसिक्योर में। ये देखो यहाँ पे मैं सेम पॉइंट देख रहा हूँ, अनपेड सैलरी टू क्लर्क, जो क्लर्क को अनपेड सैलरी है वो यहाँ पे भी आएगी अनसिक्योर में, अनसिक्योर में कितनी आएगी, तो आपकी एक्चुअल थी 33,600 जिसमें से पेड कितना किया है आपने प्रेफरेंशियल में, कितना लिया है सॉरी यहाँ पे लिखना होगा प्रेफरेंशियल,
उसमें लिया है 11,200, तो बाकी का कहाँ लोगे? अनसिक्योर में, और अनसिक्योर में वैल्यू जाएगी 22,400। ये देखो कितना अच्छा पॉइंट, और ये हर सम में रिपीट होगा, हर 14 मार्क्स के सम में। क्लर्क की अनपेड सैलरी थी, तीन चीजों को कंपेयर करके बीच एवरेज लेस दिया, पर एक्चुअल पेमेंट से अगर ये कोई पेमेंट कम आ रहा है तो बाकी का कहाँ जाएगा? अनसिक्योर में। अगर ऐसा हम सोचो कि यहाँ पे अगर 50,000 होते हैं और ये आंसर बाहर रखते एक्चुअल, तो अनसिक्योर में कुछ नहीं जाता, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअल इतना पेमेंट करना है, तो उसमें से इतना प्रेफरेंस में गया, बाकी का अनसिक्योर में गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3, अनपेड सैलरी ऑफ क्लर्क फॉर द नवंबर 2018 इज 1400। अनपेड सैलरी ऑफ क्लर्क आएगी, अब ईयर कौन सा है? 2018 का है, प्रीवियस ईयर का नहीं है, 1920 का नहीं है, ये था 2019 का, देखो उन्होंने लिखा हुआ है 2019 का था ये, तो अब अगर 2018 का है तो वो कहाँ जाएगा? अनसिक्योर में जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो सेम जो उन्होंने लिखा है, अनपेड सैलरी ऑफ क्लर्क, पर अब ईयर ऑफ क्लर्क, चलो ये क्लर्क का है पर कौन से ईयर का है? 2018 का। कितना है 2018 का? 1400 है, सीधा आंसर दिया है ये, मैंने 1400 तक का या अनसिक्योर में, मतलब कौन सा प्रेफरेंशियल है, कौन सा अनसिक्योर है, ये आपको पता चलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 4000, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड 3000, एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी आए तो वो कहां डालना है हमें? प्रेफरेंशियल में। चलो ये भी दोनों पॉइंट, पॉइंट नंबर जो 3 है उसके यहां पे आ जाएंगे, नाम जो उन्होंने लिखा हुआ है वही हम लिखेंगे, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। चलिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है, तो कि 4000, एंड दूसरा कौन सा है? यस एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, ऐसे एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी फंड अगर आए तो यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए दोनों का आंसर हमने सीधा यहाँ पे रख दिया। अब एक वन लास्ट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 5 है उस पे ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 5, बिल्स पेबल 4000 एंड अनसिक्योर क्रेडिटर 34000। बिल्स पेबल और अनसिक्योर क्रेडिटर क्लियरली वन लिखा है, तो वो तो बिल्स पेबल और दोनों जाएगा अनसिक्योर में। पॉइंट नंबर 4 दैट इज बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का वैल्यू कितना है अंदर? 4000। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अनसिक्योर, नाम ही है अनसिक्योर क्रेडिटर, चलिए वो तो सीधा इसका ही आंसर है, अनसिक्योर क्रेडिटर, और वो कितना है? 34000। ये देखो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर, वो यहाँ पे खत्म होता है, सिर्फ अब हमें यहाँ के टोटल करने हैं, और टोटल करते ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और फर्स्ट का टोटल अगर आप करोगे वहां पे आएगा 18,900, आप आंसर भी अंदर चेक कर सकते हो, एंड इसका टोटल आएगा आपके पास 62,150, ठीक है, ये आंसर आप अंदर भी चेक कर सकते हो। चेक करें आंसर को, हाँ ये दोनों आंसर आई थिंक आ ही जाता है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। चलिए तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हम और भी कर सकते हो, फर्स्ट बेसिक सम था वो क्लियर हो गया, अब एग्जांपल नंबर नेक्स्ट थर्ड पे जाएंगे। चलिए आफ्टर सम नंबर 1 अब एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, एक और बेसिक सम, सॉरी एग्जांपल नंबर 3 देखने वाला है। सो एग्जांपल नंबर 3 सामने के पेज पे दिया हुआ है, अब आपको एक और पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड सिक्योर के अलावा फर्स्ट, हम जिसको सिक्योर क्रेडिटर बोलते हैं, अब उसमें कौन सी चीज आएगी? सो वर्कर, वर्कर अगर वर्ड लिखो ना, वर्कर तो उनको प्रायोरिटी पे रखता है, क्योंकि वो झाड़ू पोछा वाला होता है, अगर कंपनी बंद हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उनको होता है। सो अब बात करेंगे उसमें सिक्योर क्रेडिटर का पॉइंट आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो पेज नंबर 383 पे है, साथ में आपको एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क में करना है, दो सम मैं करवा रहा हूँ, एक आध सम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आपका ध्यान होना चाहिए, बहुत ही अच्छा सम, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अपसेट लिमिटेड, देखो कंपनी का नाम ही अपसेट लिमिटेड है, इसीलिए कंपनी लिक्विड होती है, यहाँ पर नाम कुछ ऐसे ही आएंगे। फिर उसके बाद टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज 5 लाख, कंपनी को टोटल कितना पेड करना है? 5 लाख। टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है सिक्योर, प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर, तीनों का टोटल, ये तीन सिक्योर, प्रेफरेंशियल एंड अनसिक्योर, तीनों का टोटल कितना होगा? 5 लाख उनको टोटल पेड करना है।
और आपको देखो नीचे पूरा उसका लिस्ट इंक्लूडिंग दिया हुआ है, तो ए से लेके एस तक पूरा पेमेंट है, ये तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड फुल्ली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर। हमें ये तीन आंसर मांग रहे हैं, सिक्योर, प्रेफरेंशियल, अनसिक्योर। चलिए सेम वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय। याद करो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी चीज आए तो कहां लिखना है, प्रेफरेंशियल में लिखना है। ये लिखा मैंने प्रेफरेंशियल में, सबसे पहला कौन सा पॉइंट है, पीएफ प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय। चलो एम्प्लॉय का है इसलिए यहां पे टपका रहा हूं। कितना है एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का वैल्यू, 1 लाख। ये लिखा मैंने 1 लाख, कहां लिखा, प्रेफरेंशियल में लिखा। पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर कभी प्रेफरेंशियल में नहीं आते, उसको बोला जाता है अनसिक्योर, तो उनको तो लास्ट में, क्योंकि वो कंपनी के मालिक है तो कंपनी को तो मालिक हो तो क्या होगा, अनसिक्योर में जाएगा। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर फीस, चलो ये लिखा मैंने डायरेक्टर फीस अनसिक्योर में, वैल्यू रुपीज कितना है, 7500। अब तक कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जबरदस्त पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 2 clerk और 4 of I1। भाई क्लर्क की सैलरी है, कितने क्लर्क है, 2 clerk है, 5 महीने की सैलरी दिया है। याद आ रहा है सैलरी का पॉइंट, प्रीवियस सम में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ क्लर्क। चलिए क्लर्क की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, सबसे पहले आएगा एचयूएल, उसको कंपेयर करना है 4 month के साथ, उसको कंपेयर करना है 20,000 पर पर्सन के हिसाब से। चलिए सबसे पहले एचयूएल जो उन्होंने लिया है, 5 महीने की एचयूएल उन्होंने लिया है, बाकी है वो 75,000, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ये उन्होंने दे दिया है 75, पूरे 5 clerk की है ऐसा उन्होंने करके दे दिया है, 2 clerk की है 5 महीने की। अब मुझे 4 महीने की चाहिए, ये 5 महीने की थी वो था 75, तो 4 महीने का आंसर कैसे मिलेगा, 5 month का 75, तो 4 month का हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे आपको 4 महीने की सैलरी मिल जाएगी, और उसका अगर आप आंसर करोगे आंसर आएगा 60,000, कितना आंसर आएगा 60,000। चलिए आगे बढ़ना है, फिर है 20,000 पर पर्सन। अब ध्यान से यहाँ पे एक पर्सन के 20,000, यहाँ पे क्लर्क कितने हैं भाई, 2 clerk है, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, क्यों 2 किया, 2 clerk है इसीलिए। चलो 20,000 into 2 कितना आंसर आएगा, 40,000। अब देखना 75, 60 and 40, whichever is less, less कौन सा है भाई, 40,000 less है, तो ये मैंने बाहर लिखा 40,000 प्रेफरेंशियल में जाएगा, पर अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको एक्चुअली उनको पे करना था 75, व्हिच एवर इज लेस में आपने 40,000 प्रेफरेंशियल में लिए, तो बाकी का क्या होगा, अनसिक्योर। ये मैं लिख रहा हूं फिर से, अनपेड सैलरी ऑफ क्लर्क कितनी है, तो कि एक्चुअल उनको पे करना था 75,000 और एक्चुअल के हिसाब से उन्होंने पे किया है प्रेफरेंशियल में 40,000, तो ऊपर के कितने हुए, 40, 50, 60, 70, 35,000 यहाँ के बाकी के पेमेंट आएगा, और 35 कहाँ जाएगा, अनसिक्योर में 35,000 का पेमेंट चला जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये डेंजरस पॉइंट नंबर 3 जो इसी नंबर का पॉइंट था वो कंप्लीट हुआ। एग्जाम अब पॉइंट नंबर डी वो भी उसके जैसा है, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स बिफोर 2 year, भाई 2 साल पहले का इनकम टैक्स है, अगर प्रीवियस ईयर का होता है तो मैं प्रेफरेंस में लेता, पर 2 साल पहले का है तो कहाँ लेंगे, अनसिक्योर में लेंगे। बात किसकी है, इनकम टैक्स कि कौन से साल का है, बिफोर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पहले का है, कितना है 65,000। ये मैंने देखो सीधा कहाँ पे टपका है, अनसिक्योर में उसको लिख दिया। चलिए पॉइंट नंबर ई, outstanding wages of worker, outstanding wages of worker, worker word आएगा बच्चों तो वो आएगा secure में, क्योंकि worker यानी झाड़ू पोछा वाला जो एकदम फोर क्लास का जो होता है ना worker, उसकी बात यहाँ पे बात हो रही है, तो कंपनी बंद होने से उनको ज्यादा नुकसान होता है, वो हमें secure में लेना है, तो ये लिया मैंने outstanding salary of worker,
वर्कर वर्ड आया ना तो उसमें आपको ध्यान रखना है, वर्कर की सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग 25,000। वैसे अनसिक्योर्ड में और कुछ आने ही नहीं वाला है, जब कोई वर्कर की सैलरी ऐसा आउटस्टैंडिंग हो तो ही वो सिक्योर में जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ वन कैशियर ऑफ लास्ट 3 मंथ। अब कैशियर की बात आ रही है, कैशियर यानी जो कैश कलेक्ट करता है, कैशियर की आउटस्टैंडिंग सैलरी सेम वर्क के क्लार्क के जैसे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तौर पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ कौन सा है, कैशियर। चलो ये कैशियर की आउटस्टैंडिंग सैलरी फाइंड आउट करें फिर से एक बार, सेम सिचुएशन, एक्चुअल और 4 मंथ और 20,000, जो लेस है वो हमें कंसिडर करना है। एक्चुअल कैशियर की सैलरी बोलो अंदर है 3 मंथ की 60,000, कितने मंथ की है, 3 महीने की है भाई 60,000, फिर हमें 4 महीने की चाहिए। कैसे 4 महीने की निकालोगे, 3 मंथ की 60,000 तो 4 मंथ की हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे आई थिंक 80,000 आंसर आएगा, और 20,000। अच्छा कितने कैशियर है, कैशियर सिर्फ एक है, तो एक कैशियर होने के कारण सीधा 20,000 ले सकते हैं इस तरीके से। पहले लिया एक्चुअल 3 महीने का, फिर 4 महीने का हमने फाइंड आउट किया, और 20,000 पर पर्सन है तो कैशियर तो एक ही है, तो एक का 20,000। चलो व्हिच एवर इज लेस, कौन सा लेस है भाई इन तीनों में से, 20,000 आंसर बाहर रख सकते हैं इस तरीके से। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, ये देने थे उसको 60, प्रेफरेंशियल में हमने लिए 20, तो बाकी का क्या हो जाएगा, अनसिक्योर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ कैशियर। चलो कैशियर की आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्चुअल आपको पे करना था 60,000, आपने प्रेफरेंशियल में कितना लिया 20,000, तो बाकी का कितना रहा भाई, 40,000 कहाँ जाएगा, अनसिक्योर में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर जी, आउटस्टैंडिंग म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब होता है 2019 का, और वो आएगा ऑलवेज प्रेफरेंशियल में। ये लिखा मैंने म्यूनिसिपल टैक्स, कौन से ईयर का, लास्ट ईयर। चलिए लास्ट ईयर का टैक्स अंदर से देख के बताओ कितना है, 5,000। और अब उन्होंने लास्ट इंफॉर्मेशन में कुछ क्वेश्चन मार्क करके दिया है, रिमेनिंग अमाउंट इज सन्ड्री क्रेडिटर, बाकी के अमाउंट सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि यहाँ पे जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, पर अब वो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों का टोटल, ये देखो सिक्योर क्रेडिटर का टोटल मैं कर रहा हूँ 25,000, ठीक है, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। अब प्रेफरेंशियल का टोटल कर ले यहाँ पे, जैसे ये प्रेफरेंशियल का टोटल करोगे मेरे पास जो कि ऑलरेडी किया हुआ है उसका टोटल आएगा 1,65,000, ये लिखोगे 1,65,000। अब पूरा नहीं हुआ, ये दोनों यहाँ पे आ गया, अब यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है तो इतने का टोटल हम कर सकते हैं, पहले करें तो टोटल, इसका टोटल आएगा 147,500, कितना आएगा 147,500। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट लाइन में उन्होंने ऐसा बोला था कि कंपनी को टोटल लायबिलिटी कितना पेड करना है, 5,00,000, और जो 5,00,000 है वो उनका टोटल है, उसमें से 25,000 सिक्योर के दे दिए, 25,000 सिक्योर क्रेडिटर है, फिर उसमें से 1,65,000 प्रेफरेंशियल है, और एक अनसिक्योर में ऑलरेडी कितना है 147,500। जैसे ये तीनों माइनस करोगे 5,00,000 में से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, और वो वैल्यू आएगा 162,500, ठीक है, और इन दोनों को टोटल करोगे तो आपको अनसिक्योर का टोटल मिल जाएगा और वो आएगा 3,10,000, ठीक है। तो इस तरीके से जो 5,00,000 का उन्होंने पॉइंट बोला था ना, ये तीन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन, और 100% बड़े सम में आपको ये पॉइंट आएंगे ही आएंगे, तो इस तरीके से आपके 5,00,000 इन तीनों का टोटल करोगे 5,00,000 आपका टोटल आएगा, यहाँ पे 3,10,000 है, ठीक है। चलो हो सकता है ऐसा सम नंबर 2 होमवर्क में करो और अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। चलिए वन लास्ट एक और सम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 28, बीमार लिमिटेड, नाम से पता चल जाएगा कि ये लिक्विडेशन का सम है। सम नंबर 28 आपको पेज नंबर 115 पे मिल जाएगा, साथ में आपको होमवर्क में 39 करना है,
और ऑब्जेक्टिव 14 करना है। ऑब्जेक्टिव सम के आगे दिए होते हैं, तो दो सम होमवर्क में करने हैं। सिर्फ एक्टर प्रैक्टिस के लिए मैं एग्जांपल नंबर 28 ले रहा हूं। चलिए एग्जांपल नंबर 28 पेज नंबर 315। बीमार लिमिटेड वन टू वॉलंटरी लिक्विडेशन फ्रॉम द फॉलोइंग वाज इंफॉर्मेशन अबाउट द लायबिलिटी फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक में ऐसा आपको नीचे की लायबिलिटी दिया हुआ है। पर्टिकुलर में सबसे पहले टोटल लायबिलिटी दिया है 12,50,000। टोटल पेमेंट करना है 12,50,000। नीचे पैराग्राफ पे आओ, द सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर एंड कैलकुलेट सिक्योर प्रेफरेंशियल अनसिक्योर। फिर से ये तीन काम करना है, सिक्योर प्रेफरेंशियल अनसिक्योर। ध्यान अंदर रखना इंफॉर्मेशन नंबर 2, अनपेड म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। अब बताओ लास्ट ईयर का यानी कि प्रीवियस ईयर का अगर म्यूनिसिपल टैक्स हो कहां आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। ये लिखा सबसे पहला प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में म्यूनिसिपल टैक्स, कौन से ईयर का, लास्ट ईयर का। और कितना है लास्ट ईयर का टैक्स वैल्यू है 12,500। चलिए इंफॉर्मेशन नंबर 3 पे जाते हैं, अनपेड सैलरी ऑफ टू क्लर्क फॉर अ 5 मंथ, डेंजरस अनपेड सैलरी ऑफ क्लर्क कहां आएगा, प्रेफरेंशियल में। ये भी कहा मैंने अनपेड सैलरी ऑफ क्लर्क। ये पॉइंट आपको परेशान नहीं करना चाहिए, हर समय आता है, उसमें तीन चीजों का कंपैरिजन होता है। सबसे पहले एचयूएल और करके 4 मंथ और करके 20,000। चलिए फिर से वही काम करेंगे, 5 मंथ की उनकी दो क्लर्क की सैलरी है, तो कितनी है एचयूएल सैलरी जो हमें अनपेड दिया गया है 187,500। ध्यान यहां पे रखना। फिर आ रही है 4 मंथ की बारी, तो अब पद रखेंगे कि 5 मंथ पे 187,500, तो 4 मंथ का हाउ मच, ये 4 मंथ का रूल है। चलो 4 मंथ का जैसे आप काम करोगे हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि टोटल यहां पर अवेलेबल नहीं है, ये काम मुझे करना पड़ेगा। 4 × 187,500/5, तो आंसर आएगा 1,50,000। ध्यान यहां पे रखना। फिर उसके बाद 20,000 पर मंथ, कितने क्लर्क है भाई, दो क्लर्क है, ठीक है, तो दो क्लर्क को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 40,000। अब देखो तो व्हिच एवर इज लेस, लेस कौन सा है भाई, ये आएगा 40,000, तो ये लिखा 40,000 बार, पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। एक्चुअल इतना पेमेंट करना था, प्रेफरेंशियल में इतना आया, तो बाकी का कहां जाएगा, अनपेड सैलरी ऑफ क्लर्क। चलिए क्लर्क की सैलरी एक्चुअल हमें पे करनी थी 187,500, उसमें से प्रेफरेंशियल में कितना लिया 40,000, तो बाकी का यहां पे आएगा आई थिंक 147,500, ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 4, बैक टू बैक एक और पॉइंट, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स ऑफ 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले का इनकम टैक्स है, वो तो अनसिक्योर में आएगा, पेमेंट करना है म्युनिसिपल टैक्स, और कौन से ईयर का है, 3 इयर्स अगो। चलिए 3 साल पहले का है, तो कितना है वो, यस 162,500, इतना वो टैक्स है। चलिए आगे बढ़े, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5, अकाउंटेंट की सैलरी आ रही है, फिर से एक सेम पॉइंट, 3 मंथ अनपेड सैलरी ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की अनपेड सैलरी कहां लोगे, प्रेफरेंशियल में लेंगे, अनपेड सैलरी, पहले था क्लर्क ऑफ आए अकाउंटेंट। चलो अकाउंटेंट बेचारा, उसको सैलरी प्रोवाइड करना था, सबसे पहले लेंगे एक्चुअल, फिर उसके बाद 4 महीने की कंपैरिजन और आएगा 20,000। अकाउंटेंट आई थिंक एक ही है, पहले एक्चुअल सैलरी देखो, एक्चुअल कितना दिया उन्होंने, कितने मंथ का है भाई, 3 मंथ का एक्चुअल दिया है और वैल्यू है 1,50,000। अब ध्यान से, 3 महीने का 150, तो 4 महीने का हाउ मच, जैसे 4 महीने का हाउ मच करोगे आपको आई थिंक आंसर 2,00,000 मिलेगा, ठीक है, ये हवा में आप कर सकते हो। फिर उसके बाद 20,000 का रूल। अब देखो अकाउंटेंट एक ही है, एक से ज्यादा है, एक ही अकाउंटेंट है, सिर्फ अकाउंटेंट लिखा है, उसका मतलब 20,000, तो ये लिखा मैंने 20,000। अब 2,50,000, 2,00,000 एंड 20,000, व्हिच एवर इज लेस, लेस आएगा 20,000, तो ये लिखा मैंने 20,000 बाहर। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे 20,000 लिखे बाकी का अनसिक्योर में जाएगा, अनपेड सैलरी ऑफ अकाउंटेंट।
चलो अकाउंटेंट की अनपेड सैलरी, एक्चुअली आपको कितना पेमेंट करना था, एक्चुअल पेमेंट था 150,000। ध्यान देना है यहाँ पे, उसमें से आपने प्रेफरेंशियल में कितने पेड किए, प्रेफरेंशियल में लिए 20,000, तो बाकी का 130,000 क्या हो गया भाई, अनसिक्योर में चला गया बाकी का पेमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, कुछ जानबूझ के ब्रैकेट दिया है, अनपेड वेजेस ऑफ 5 वर्कर, ब्रैकेट में लिखा है 20,000 पर वर्कर, 5 वर्कर की अनपेड सैलरी है। वर्कर वर्ड आए, क्या जाना चाहिए आपको, सिक्योर याद आ जाना चाहिए, क्योंकि वर्कर की सैलरी ऑलवेज सिक्योर में आती है। अनपेड सैलरी ऑफ किसकी है भाई, वर्कर की है। कितनी सैलरी दी है टोटल अनपेड, 62,500। सिक्योर में और कोई पॉइंट आई थिंक आएगा ही नहीं, यही हमारा टोटल आएगा, देख लो, क्योंकि सिक्योर में जनरली वर्कर की सैलरी या फिर कोई सिक्योरिटी आपको दिया होता है। पॉइंट नंबर 7, डायरेक्टर फीस आउटस्टैंडिंग, डायरेक्टर फीस ऑलवेज अनसिक्योर में आता है। डायरेक्टर कंपनी के मालिक है, अगर उनको लास्ट में पेमेंट करोगे तो चलेगा, इसलिए वो अनसिक्योर में आता है 18,750। ठीक है, चलिए डायरेक्टर फीस के बाद प्रोविडेंट फंड टू एम्प्लॉयज, याद करो पीएफ, पीएफ कहाँ आता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड, प्रेफरेंशियल में प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय, चलिए एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, इतना वैल्यू है 2,50,000। आई थिंक प्रीवियस सम की तरह यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो रहा है, तो सिर्फ हम टोटल करेंगे, इसका टोटल तो मैंने कर दिया, अब इसका टोटल कर ले 12,500, 40,000, फिर उसके बाद 20,000, देन उसके बाद 2,50,000, आंसर आ रहा है 3,22,500। चेक करें आंसर में, मुझे भी डाउट है क्योंकि टोटल हमने अपने आप किया है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का ये टोटल कहीं ना कहीं दिया होना चाहिए, आ रहा है सेकंड लाइन में, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, ये आ गया सिक्योर, ये आ गया प्रेफरेंशियल, अब इसका यहां तक का टोटल कर ले, जैसे प्रीवियस समय किया था 147,500, 162,500, 130,000 एंड 18,750, इसका टोटल आ रहा है 4,58,750। अब देखो क्या करना है, उन्होंने ऐसा कहा है बाकी के सन्ड्री क्रेडिटर है जो हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपको टोटल लायबिलिटी कितना दिया था चेक करो, तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो दिया था आपको 12,50,000, ठीक है, 12,50,000 आपको दिया था, उसमें से ये बस सब कुछ माइनस करो, पहले माइनस करो 62,500 सिक्योर के, फिर प्रेफरेंशियल माइनस करो 3,22,500 एंड एक और माइनस करो 4,58,750, तो आपको ये सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ये काम कर ले, 12,50,000 में से 62,500 माइनस 132,500 एंड माइनस 4,58,750, तो आंसर हमारे पास आएगा 4,06,250। अब फाइनल ये हमने राउंड करके ढूंढा है, अब इसका टोटल कर दे तो हमारे पास अनसिक्योर क्रेडिट का आंसर आ जाएगा, और जो कि आ रहा है, यस यहाँ पे टोटल में कोई हेल्प नहीं है तो मैं अपने आप टोटल कर रहा हूँ, ये टोटल आएगा 8,65,000। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड अनसिक्योर क्रेडिटर। आज के दिन का मेरा टारगेट था आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर करना, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन for notifications.